का सिंहार सिंह संचार विश्वकर्मा जी नहीं के हैं, ब्रह्मा जी के हैं। सृष्टि का संचार ब्रह्मा जी के, सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी है, विश्वकर्मा जी तक तमाम वज्र चक्र पुष्पक विमान तमाम तमाम चीज के रचयिता विष्णु को विश्वकर्मा जी है। जैसे कि सोने का महल बना दिए, भगवान कन्हैया का बंसी बना दिए, गांडीव धनुष बना दिए, अर्जुन महाभारत में बलवान बने। अभी मैं लोकगीत के माध्यम से बताए, बाकी विश्वकर्मा जी विश्व का रचयिता नहीं है, सृष्टि का रचयिता नहीं है, पर ब्रह्मा जी है। लेकिन तारुका तारुका के खोपड़ी का खड़ाऊ विश्वकर्मा जी बनाए, ये ठीक बात है, ये सही है। अखड़ाऊ बनी किस लिए? राजा दशरथ एक बार जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, तभी उनके प्यास लगी थी, बहुत जोर से प्यास लगी थी, एकदम तड़प रहे थे। वही कह रहे हैं कि अगर कोई जंगल में हो हमें पानी पिला दे। कटक मन में गए थे, तारुका सोच रही कि राजा पानी के लिए तड़प रहा है, अगर मैं अपने असली रूप में जाऊंगी तब मेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। उसने सुंदर रूप बना के राजा को पानी लेके गई, और जब राजा पानी पीने हैं तो बड़ा खुश हुए, राजा राजा अगर आप कुछ देना चाहते हैं हमको तो अयोध्या का राज 14 वर्ष खातिर, अयोध्या का सिंहासन हमरे खातिर दे दे। राजा कहे नहीं मस्त, मैं अयोध्या का राज सिंहासन तुझे दे दिया। राजा कहके तो चला जाए वादा करके बुलाई गए, भोग विलास में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम चारों भाई के जन्म भए, फिर राक्षस लोग उत्पात मचाए, विश्वकर्मा जी रक्षा खातिर भगवान को मान ले गए। तभी तारुका राक्षसी विश्वामित्र के ऊपर धावा बोल देती है, जब धावा बोल देते तो बीच में भगवान आ जाते हैं, हो जाती है। जब तारुका धराशायी हो जाती है तो एक बात कहती है, ए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तूने मुझे मार के अच्छा नहीं किया, तेरा बाप आज भी मेरा कर्जी है, 14 वर्ष का राजगद्दी हमको देने का वादा किया था, वो कर्ज अब भी बरकरार है, आज तूने मुझे मार के अच्छा नहीं किया। तारुका प्राण जब त्यागी है तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के तन बदन में लग गई आगी है, आवाज हो जाते हैं, उन्हें
तालुका के खोपड़ी का खड़ाऊ बनल विश्वकर्मा जी बनाए लोके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अपने चरण पादुका में पहनते थे। जब बन को गए भरत जी वापस जब गए लिया तो राम लौटे ना, जब लौटे ना तो वही अपन खड़ाऊ नहीं दे भरत जी ने कि चला जाए आप परम सम्मानित माननीय श्री
प्रेमचंद बिंद मछली शहर कोड़ा के पावन धरती से इक्यावन रुपया पुरस्कार बा। हमारे परम सम्मानित भैया आज के इस कार्यक्रम के कार्यजीवन आप माननीय उमा शंकर विश्वकर्मा भैया के कर कमलों द्वारा एक से एक रुपया महान आशीर्वाद कोटि कोटि चरणों में नमन प्रणाम बा। Oh!